सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया है कि ये तीन बच्चे आपने पैदा किए हैं तो इन्हें आप ही खिला लो, आप ही संभालो, क्योंकि आपने बच्चे पैदा कर दिए और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट का बेजा इस्तेमाल है सरकार द्वारा। आम जनता में ये एक राय बनी है कि मोदी सरकार चाहे कुछ भी करे सुप्रीम कोर्ट में उसको हमेशा सफलता मिल जाती है। मोदी सरकार के जो लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं उन्होंने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे हगे मूते को साफ करने की एक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से अंधी गुफा बन गई है जिसमें सरकार बिल पास करती है, सुप्रीम कोर्ट उन पर स्टे नहीं देती, स्टे ना देने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है हम सुनवाई करेंगे। दोस्तों आदाबर जी, मैं निसमत खान हिंदवर से आपसे मुखातिब हूँ। रसात रविंदर कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के वकील। रविंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत खैर मकदम है स्टूडियो में आपका हिंद वॉइस के। अभी फैसला आया है कि उसने लताड़ा है बुरी तरीके से सरकार को, कि आप इस पर कैसे पास किया है बिल, तमाम उसकी पेचीदगियाँ हैं, चूँकि तो कानून दाव पेचे तो ये तो कोर्ट या अब इसका कहना चाहिए आप जैसे वकील ऑपरेशन करेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है पूरा सिलसिला, किस तरीके से कोर्ट भी इनको लताड़ रहा है, ये पीछे नहीं हट रहा, क्या बात है किसान आंदोलन के साथ। आपका सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को हमेशा टेक इट फॉर ग्रांटेड लेती है और आम जनता में ये एक राय बनी है कि मोदी सरकार चाहे कुछ भी करे सुप्रीम कोर्ट में उसको हमेशा सफलता मिल जाती है और इस वजह से लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी आस्था जो है थोड़ी सी हिली भी है जी। लेकिन इस मामले में जो लगातार लाखों किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने अभी पिछली जो बात हुई उसमें जो हमारे कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उन्होंने नरेंद्र तोमर ने किसानों को कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ अगर आप हमारे तीन किसान बिलों पर कृषि बिलों पर जो है हमसे सहमत नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही कहा जैसे पति पत्नी को कहे कि भाई वो जो खीर में नमक पड़ गया है तो पत्नी कह दे जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वो जैसे आप जो है कोलू काटकर मुगदर बना लो और वो कोलू वाला कहे भाई ये तुमने मेरे कोलू का नुकसान कर दिया तो कहो जी सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, दूध फट गया तो क्या करो जी सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बच्चे ने पॉटी कर दिया है तो क्या करना है जी सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो मोदी सरकार के जो लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं उन्होंने मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे हगे मूते को साफ करने की एक संस्था है और वो जो है उनके हगे मूते को साफ करेगा और हम बड़े आराम से कहेंगे हम कानून का राज चला रहे हैं क्योंकि पुलिस और प्रशासन हमारे साथ है, प्रेस हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। लेकिन पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सरकार को लताड़ लगाई है और पूरे मामले को अगर आप देखें तो पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से पूरी तरह निराश है, यानी जितना निराश मैं हूँ उतना ही हमारे प्रधान न्यायाधीश बोबड़े साहब आज के दिन भारत सरकार से मोदी सरकार से निराश हैं। जो लोग देख रहे हैं प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर से और 16 दिसंबर से आज जो है एक तरह से 25 दिन में सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को सुनता रहा है और सरकार जो है हर बार सुप्रीम कोर्ट से डेट ये कहकर लेती है कि मीटिंग होनी है, अगली मीटिंग फलानी तारीख को तय है। आज भी हमारे जो जैसा कि है होती है, हाँ जैसे आज भी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 15 तारीख को मीटिंग की डेट तय है तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप ये तो बताते ही नहीं कि किसी भी मीटिंग में क्या हुआ, क्या एजेंडा रहा, क्या आपने प्रगति की क्या नहीं की, आप सिर्फ जो है हर बार डेट लेने के लिए बहाना बनाते हैं। और दूसरी तरफ से दुष्यंत दवे ने कहा कि जिस ढंग से ये काला कानून पास हुआ है उसमें जो है पूरे अगर ये देखें प्रक्रिया है कि किन पक्षों से बात करनी चाहिए थी, किन पक्षों से आपने बात की, किन विशेषज्ञों से सलाह ली, वो किसी का कुछ नहीं पता है, सिर्फ ध्वनि मत से जो है तीन बिलों को जो है तानाशाह तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया। और ये अगर जो लोग अकल रखते हैं और आँखें रखते हैं और अगर वो संसद की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखें तो मेरे जैसा आदमी ये कह सकता है कि जो उपसभापति जब ये बिल को पास करने की घोषणा कर रहे थे उस समय उन्होंने कानून का पालन नहीं किया, कुल जो है 60 मिनट में उन्होंने तीनों बिलों को पास कर दिया और उन्हें खुद नहीं पता कि आईज और नोज क्या होता है, यानी ये लोकतंत्र के साथ संसद में बलात्कार किया गया और ये बिल पास कर दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आपने जो ये बिल पास किए हैं उनके बारे में हम आपसे निराश हैं,
एक भी पक्ष ने ये नहीं बताया कि इस बिल में सफाई क्या है, इस बिल में अच्छाई क्या है, और ये बिल जो है किसानों पर लाद दिए गए हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहना पड़ा कि हम पूरे तीनों बिलों को जो है स्थगित कर सकते हैं। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप जो है इसके जो उन पक्षों को स्थगित कर दें जिन पर आपको आपत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जो है तीनों ही बिलों को पूरी तरह स्थगित करेंगे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने बिल पास किए हैं तो सरकार इसके बारे में सोचे। तो मेरा एक व्यक्ति के रूप में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया है कि ये तीन बच्चे आपने पैदा किए हैं तो इन्हें आप ही खिला लो, आप ही संभालो, क्योंकि आपने बच्चे पैदा कर दिए और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दें तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट का बेजा इस्तेमाल है सरकार द्वारा। किसान जो है इस बात को पहले से ही जानते हैं। उनको जब ये कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट चले आओ तो किसानों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कहीं न्याय मांगने नहीं जाएंगे, हमारी एक ही राय है कि तीनों बिल आप वापस लो, तीनों बिल समाप्त हों। अगर सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि तीनों बिलों पर स्थगन लगा देती है और ये करती है कि तीनों बिलों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब भी किसान जो है दिल्ली की सीमाओं से हटकर नहीं जाएंगे, क्योंकि तब भी उनका पर्पस पूरा नहीं होता। उनका पर्पस है कि तीनों बिलों का खात्मा हो, वापस ले ली जाए। अब इसमें एक बड़ी अजीब सी बात आती है, सरकार कहती है कि हमने आज तक कोई बिल वापस नहीं लिया, हम तीनों बिल वापस नहीं लेंगे, लेकिन मोदी सरकार को शायद खुद नहीं पता कि उन्होंने 2015 में 125 बिल वापस लिए थे, उसके बाद जो है 2015 के बाद 17 में जो है 295 बिल जो है वापस किए थे। और बिल वापस लेना जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक तरीका है, हिंदुस्तान में एक सबसे पहला बिल जिस पे लेकर बड़ा रोला मचा था वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दिल्ली में पास किया था, और ये उसमें ये प्रोविज़न था कि किसी भी आदमी को आप जो है आतंकवादी गतिविधियों के तहत बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अपराध बताए, और ये भी बताए बिना कि किसने तेरे पे आरोप लगाए हैं, अनिश्चित काल के लिए बंद कर सकते थे। तो उसका नाम था अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, और उस एक्ट पर जो है पूरे देश में जो है बवाल हुआ था। महात्मा गांधी ने पहली बार कोई राजनीतिक आंदोलन में जो हिस्सा लिया था वो रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा 1922 में, और 1922 में वापस लेना पड़ा। आप देखेंगे जैसे ही बाद में भी हमने देखा कि एक बिल आया था प्रेस बिल, जिसपे राजीव गांधी के टाइम में बड़ा हंगामा हुआ था, उस बिल को भी राजीव गांधी को वापस लेना पड़ा था। एक पोस्टल बिल आया था वो तो जिसको कि ज्ञानी जल सिंह ने कहा था वापस लो, सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को सीधी चेतावनी दे दी थी कि अगर आप इस बिल को देंगे तो मैं जो है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज के समय में दिक्कत क्या है कि उस समय मीडिया था जागरूक, आज का मीडिया सोया हुआ है, उस समय राष्ट्रपति जागरूक था, आज का राष्ट्रपति का पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति भी है। उस समय की जो प्रेस थी और जो सरकारें थी वो बड़ी जागरूक थी, राजनीतिक लोग बड़े जागरूक थे, आज के दिन पता ही नहीं चलता कि राजनीतिक लोग हैं या नहीं है। उस समय की न्यायालय जो थी बड़ी कठोर थी, उन्होंने जो है हर सरकार के फैसले पर तुरंत फैसला किया। लेकिन अब जो पिछले 5-6 सालों से हुआ है कि आप देखेंगे बिल जो है पास होते हैं, कानून बनते हैं, लोग जो है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर कहती है कि हम इस पर विचार करेंगे, और विचार करने में सालों बीत जाते हैं। जैसे कि मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि नोटबंदी का कानून जो है वो पास हुआ, और नोटबंदी के कानून पर सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले 6 साल से सुनवाई कर रही है, 370 लगी उस पर जो है 2 साल से सुनवाई हो रही है, CA और NRC आया उस पर जो है 2 साल से सुनवाई हो रही है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से अंधी गुफा बन गई है, जिसमें सरकार बिल पास करती है, सुप्रीम कोर्ट उन पर स्टे नहीं देती, स्टे ना देने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है हम सुनवाई करेंगे, और सुनवाई करने की अवधि इतनी हो जाती है कि लोगों का उस बिल के बारे में कि अच्छा और बुरा होने का कोई फैसला होगा नहीं होगा उसमें भी लोगों की रुचि कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब जैसे अगर आ जाए कि भाई आज के दिन ये कहें कि नोटबंदी गलत थी तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, नोटबंदी सही थी तब भी जो नुकसान हो गया वो हो गया। तो इस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट को त्वरित न्याय करना चाहिए, और जिस बात से करोड़ों अरबों यानी पूरा देश ही अगर जिससे संबंधित है अगर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती तो आप समझ सकते हैं कि अकेला किसान
जब वो अकेला किसी पूंजीपति से लड़ रहा होगा तो उसको इस देश में न्याय बिल्कुल नहीं मिल सकता। जब आप लाखों करोड़ों किसानों को न्याय नहीं दे सकते तो अकेला किसान किसी अंबानी अडानी के खिलाफ अगर जाएगा किसी कोर्ट में तो मैं नहीं समझता उसे कभी न्याय मिलेगा। सिर्फ वो जो है थोड़े दिन लड़ेगा और उसके बाद हार मानकर वो जो फांसी लगा लेगा। यही सरकार का मकसद है और यही सरकार चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपने अभी ताज़ा जो अपडेट आए उससे पे चर्चा की। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।